नमस्कार आप सभी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं इस एडिटोरियल के बारे में जो रिसेंटली आपने सुना होगा कि सीज फायर का समझौता हुआ है, कि सीज फायर उल्लंघन नहीं करेंगे। उसके रिगार्डिंग जो समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा है हैप्पी मन जेकोब ने, द एनाटोमी ऑफ स्प्रिंग सीज फायर। स्प्रिंग सीज फायर मतलब स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु में जो समझौता हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और एनाटोमी आपको मालूम हो तो ये जनरली एक टर्म है जो शारीरिक संरचना, जिसका हिंदी अनुवाद होता है। तो ये यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जो सीज फायर हुआ है उसका क्या मतलब क्या है, या पूरे के पूरे जो रूल्स रेगुलेशन है उनके बारे में आज हम इस पर प्रकाश डालेंगे कि सीज फायर में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है और उस सीज फायर का कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। इन द वेक ऑफ रजिस्टरिंग ऑफ 5,130 सीज फायर वायलेशन इन 2020 गन्स ऑन ईदर साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर फेल साइलेंट ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ फेबरवरी 24-25, 2021। तो यहाँ पर जब कई मतलब लगभग 5,130 सीज फायर के जो वॉयलेशन हुए 2020 के अंदर, उन सभी चीज़ों को मतलब शांत करने के लिए, उन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए 24 और 25 तारीख की रात को एक समझौता हुआ या वार्ता हुई। ठीक है, कहाँ पर हुई? जम्मू एंड कश्मीर में। द फेब्रुअरी सीज फायर हैज़ ट्रिगर्ड वाइड स्प्रीड स्पेकुलेशन अबाउट द ड्यूरेबिलिटी सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द बायलेटरल रिलेशन इन जनरल। तो यहाँ पर जैसे ये सीज फायर की बात हुई, इस समझौते की बात हुई, त्यों ही कई प्रकार के क्वेश्चन रेज होने लगे। उनमें से कुछ आशंकाएँ, स्पेकुलेशन मतलब आशंकाएँ या अनुमान लगाए जाने लगे ड्यूरेबिलिटी की, भाई ये कब तक चलेगा ये सीज फायर, मतलब कब तक इस समझौते की अवधि होगी, ऐसा ना हो कि कोई उल्लंघन कर दे। जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान क्या करता है, बार बार अपनी तरफ से सीज फायर का उल्लंघन खुद कर देता है। सिग्निफिकेंस, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और साथ ही साथ इसमें जो बायलेटरल द्विपक्षीय जो संबंध है उन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। द अनाउंसमेंट बाय टू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस केम एज सरप्राइज टू मैनी एंड येट इट इज अंडरलाइन द सिंपल फैक्ट दैट ऑल स्टेटमैन वुमेन रिकॉग्नाइज वाइल इन ऑफिस कंट्रीज कैन नॉट रन बाय रेथोलिक अलोन। तो यहाँ पर जैसे ये सीज फायर के समझौते की जो बात हुई तो उसमें दोनों ही डायरेक्टर जनरल ने इसको क्या किया, मतलब अनाउंस किया। तो ये जो हमारे दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं उनके लिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उनके दिमाग में क्लियर हो गई कि कोई भी रेथोरिक मतलब एक तरफ से, चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो, एक तरफ से सिर्फ अपनी मुँह जबानी कुछ भी कहता रहे कि नहीं हमें सीज फायर करना है या हम उसको जवाब दे देंगे, तो ये किसी भी चीज़ का मतलब सॉल्यूशन नहीं है। और कोई भी राष्ट्र इस चीज़ को अकेले अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि ये द्विपक्षीय वो है, तो दोनों ही लोगों को इसको मिल बांट के सॉल्व करना पड़ेगा। मोर सो दिस अनाउंसमेंट इज ऑल्सो रिकोगनाइजेशन आर न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद दैट दे कैन नॉट अफोर्ड टू लेट वायलेंस स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल गिवन इट्स इनहेरेंटली एस्केलेटरी नेचर एज इवेंट इन द वेक ऑफ द पुलवामा टेरर अटैक इन फेब्रवरी 2019 हाईलाइटेड। तो यहाँ पर एक और चीज़ें, इन जो अनाउंसमेंट हुआ है उसने इस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज करवाया है कि दिल्ली और इस्लामाबाद इस बात को समझ चुके हैं कि जो वायलेंस है, जो हिंसा है, उसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देना है। जैसा कि परिणाम स्वरूप पुलवामा टेरर अटैक हुआ था, ये उसी का परिणाम स्वरूप था कि उनका उन्होंने अति होने दी उस वायलेशन की दोनों ही देशों ने, और पुलवामा अटैक हुआ और पुलवामा अटैक के बाद भारत ने भी कैसे रिटेलिएट किया, तो ये सब आपने देखा था। तो इन सभी चीज़ों का इस टाइप से ना हो, तो उन सभी चीज़ों को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए दोनों ही देशों ने इस सीज फायर वाले समझौते को साइन किया। पीस फीलर्स, अब यहाँ पर ये शांति का भी संदेश है। नॉट विथ स्टैंडिंग सरप्राइज फैक्टर इन डेवलपमेंट देयर हैव बीन सम इंडिकेशंस अबाउट द पॉसिबल
इन रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेडिशनल राइवल्स। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के होते हुए भी मतलब जो डेवलपमेंट के कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर्स हैं उसमें हो सकता है ये पॉसिबल फैक्टर हो कि एक दूसरे जो विरोधी हैं उन्होंने अपने संबंधों को एक मधुर बनाने की शुरुआत की हो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा स्टेटेड इन अर्ली फेब्रुअरी दैट इट इज़ टाइम टू एक्सटेंड हैंड टू पीस इन ऑल डायरेक्शन। तो उन्होंने ये कहा था कमर जावेद बाजवा जी ने कि ये समय आ गया है पाकिस्तान के लिए कि वो चारों तरफ अपनी शांति की स्थापना करे, मतलब शांति की स्थापना करे। मतलब सीधा सा था कि सबसे बड़ा राइवलर कौन था, भारत था उसका, तो यहाँ पीस की शांति के समझौता करेगा। ऑन द इंडियन साइड द आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नराव ने सेट अराउंड द सेम टाइम दैट विथ अवर कंटीन्यूअस एंगेजमेंट विथ पाकिस्तान वी विल बी एबल टू प्रिवेल ओवर देम एज अनसेटल्ड बॉर्डर हैव नो वन। तो यहाँ पर मनोज मुकुंद नराव ने भी यही कहा था कि हम कंटिन्यूस वार्ता में लगे हुए हैं और हम मतलब शांति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हैं। क्यों? क्योंकि जो मतलब बॉर्डर पे जो तनाव है वो किसी की हेल्प नहीं करने वाला। इंडिया अलाउ द यूज ऑफ एयर स्पेस बाय पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से स्पेशल एयरक्राफ्ट टू फ्लाई टू श्रीलंका एंड जस्ट अ डे बिफोर द सीज फायर अनाउंसमेंट एंड अपॉन हिज अराइवल इन कोलंबो मिस्टर खान सेड अवर ओनली डिस्प्यूट इज कश्मीर एंड इट कैन ओनली बी रिजॉल्व थ्रू द डायलॉग। क्लियरली द टू साइड वर सेटिंग द स्टेज फॉर अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर जब युद्ध विराम का ये समझौता हुआ या सीज फायर का जो समझौता हुआ उससे एक दिन पहले ही भारत ने अपना जो एक हवाई क्षेत्र है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो कि श्रीलंका गए थे उनके लिए अलाउ किया था। और वहाँ पर भी उन्होंने जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उन्होंने ये कहा था कि हमारा सिर्फ डिस्प्यूट कश्मीर को लेकर है और कोई इस प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है और वो डिस्प्यूट भी हम लोग वार्ता करके सुलझा लेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ द सीज फायर। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस क्या है सीज फायर के? व्हाट मेक द फेब्रुअरी सीज फायर सिग्निफिकेंट इज दैट फैक्ट दैट एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन सीज फायर अश्योरेंस दैट टू साइड मेड टिल जनवरी 2021। तो यहाँ पर जो फरवरी 2021 से पहले के जो सीज फायर या युद्ध विराम समझौते हुए उन सीज फायर समझौतों से ये 25 फरवरी 2021 को होने वाला युद्ध विराम समझौता कैसे अलग है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ट्वाइस इन 2018 मतलब दो बार 2018 में दो बार ये इस प्रकार के समझौते हुए। फॉर इंस्टेंस टू साइड हैड एग्री टू अपहोल्ड द सीज फायर एग्रीमेंट व्हेन सीज फायर वायलेशन वर नॉट राइज। तो यहाँ पर दो बार समझौते हुए थे 2018 में और दोनों साइड एग्री हो गई थी सीज फायर को मतलब आगे फुलफिल करने के लिए। बट व्हाट मेक द फेब्रुअरी 2021 सीज फायर डिफरेंट इज टू डिस्टिंक्ट फीचर। लेकिन यहाँ पर जो 2021 का सीज फायर है वो दो तरीकों से अलग है और प्रमुख भी है पहले किए गए जितने भी युद्ध प्रणाम समझौते हैं उनसे। वन दिस वाज ज्वाइंट स्टेटमेंट बाय टू DGMOs। सबसे पहला तो ये कि दोनों ही DGMO लेवल के अधिकारियों ने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एंड दैट अनलाइक द प्रीवियस डिक्लेरेशन द रीसेंट एग्रीमेंट मेंशन अ स्पेसिफिक डेट। तो यहाँ पर जैसा कि पुराने जो एग्रीमेंट या युद्ध विराम समझौते हुए उसमें किसी भी प्रकार से स्पेसिफिक डेट अनाउंस नहीं की गई थी, लेकिन इसमें स्पेसिफिक डेट को क्या किया गया, हाईलाइट किया गया है। द नाइट ऑफ फरवरी 24-25 टू बिगिन द सीज फायर। तो यहाँ पर अनाउंस किया गया कि 24-25 से ये सीज फायर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, मतलब युद्ध विराम का समझौता लागू हो जाएगा दोनों ही देशों पर, पाकिस्तान है या इंडिया हो। इन दैट सेंस देन फरवरी सीज फायर इज अर्गुएबली वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री मेजर बाय इंडियाज एंड पाकिस्तान इन ओवर 18 ईयर टू रिड्यूस वायलेंस अलॉन्ग द LOC इन कश्मीर। तो यहाँ पर कश्मीर के अंदर भारत और पाकिस्तान के द्वारा जितने भी समझौते सीज फायर को लेकर किए गए उनमें से ये समझौता क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। कमिंग इन बेक ऑफ ओवर 5,000 सीज फायर वायलेशन इन 2020 द हाईएस्ट इन 90 ईयर्स सिंस 2002 द एग्रीमेंट इज पाथ ब्रेकिंग फ्रॉम अ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है 2020 के अंदर लगभग 5,000 से भी ज़्यादा सीज फायर हुए, उसमें ये एग्रीमेंट एक महत्वपूर्ण
साबित होगा कि जहां इतने ज्यादा सीज फायर के उल्लंघन हो रहे हो वहां ये एग्रीमेंट स्वाभाविक सी बात है महत्वपूर्ण स्थान रखेगा ही। इंटरेस्टिंगली द नवंबर 2003 सीज फायर एग्रीमेंट वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड इन वेक ऑफ द हाई लेवल ऑफ वायलेंस थ्रू 2002 टू 2003। और जो 2003 का सीज फायर एक यहाँ पे गौर करने वाली बात एक और भी है कि जैसे यहाँ 2020 में सबसे ज़्यादा 19 सालों में सबसे ज़्यादा वायलेंस हुई या जितने भी सीज फायर सबसे ज़्यादा सीज फायर का वायलेशन हुआ ऐसा ही कुछ 2002 से 2003 के बीच में हुई थी। और 2003 में एक जो युद्ध विराम समझौता भारत और पाकिस्तान ने साइन किया था लेकिन उसका हश्र किया क्या हुआ और यही ये मतलब देख बता रहे हैं लेखक कि आगे इसका क्या होगा गॉड नोज। द सीज फायर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस स्टेप हेल्प न्यू दिल्ली टू डिफ्यूज व्हाट वाज बिकमिंग ग्रोइंग कंसर्न फॉर डिसीजन मेकर्स इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर ग्रोइंग कंसर्न मतलब आपको मालूम होगा कि चाइना का उत्तर में स्टैंड ऑफ चल रहा है और वेस्ट में पाकिस्तान कंटिन्यूसली सीज फायर कर रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों दो फ्रंट में जो लड़ाई है तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये सीज फायर का समझौता। सिचुएशन एंड फीलिंग बीइंग बॉक्स्ड इन बाय इनिमिकल पाकिस्तान एंड एग्रेसिव चाइना। तो यहाँ पे इनिमिकल मतलब होते हैं विरोधी जो पाकिस्तान है और एग्रेसिव चाइना के बिटवीन एक बॉक्स जैसी कंडीशन बन गई थी इंडिया के लिए और अब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के समझौता हुआ है तो एक तरीके से भारत एक तरफ से अभी क्या हो गया है कुछ समय के लिए फ्री हो गया है। अब आगे ये कब तक चलता है ये समय बताएगा लेकिन अभी के लिए तो फ्री हो गया है। इट इज़ इजी टू टॉक अबाउट टू और टू एंड हाफ फ्रंट सिचुएशन फॉर डोमेस्टिक ग्रैंड स्टैंडिंग बट डीलिंग विथ इट इज नीदर इजी नॉर प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर ये मतलब कहने में तो अच्छी बात है कि भाई हम दोनों तरफ से बात कर रहे हैं या हाफ तरह से बात कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत इतना आसान भी नहीं होता जब प्रैक्टिकल आप ग्राउंड सिचुएशन देख रहे होते हो। तो एक तरफ सीज फायर का समझौता होना भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। दैट्स द इंडियन आर्मी हैड टू री डिप्लॉय फोर्सेज फ्रॉम वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान टू नॉर्थ नॉर्दर्न बॉर्डर विद चाइना इज इंडिकेटिव ऑफ द सीरियस मटेरियल चैलेंजेस इट कुड थ्रो अप। तो यहाँ पर हो सकता है इससे क्या होगा कि अब भारत जो अपनी वो है वो सैन्य शक्ति वहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है पाकिस्तान से हटाकर कहाँ पर चाइना की तरफ। द बेस्ट वे टू डील विद टू फ्रंट चैलेंज देन न्यू दिल्ली कुड हैव रीजन वाज टू डिफ्यूज एटलीस्ट वन फ्रंट। तो यहाँ पर कम से कम एक फ्रंट तो थोड़ा कुछ समय के लिए शांत हुआ बजाय इसके कि हमें दो फ्रंट वार करनी पड़ेगी। द LOC वाज अ नेचुरल LOC वाज अ नेचुरल कैंडिडेट। LOC मतलब कहलाती है पाकिस्तान वाली लाइन और LAC कहलाती है चाइना वाली लाइन। ठीक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है द LOC वाज द नेचुरल कैंडिडेट और LOC एक नेचुरल कैंडिडेट थी कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या किया जा सके नॉर्मलेसी लाई जा सके। गिवन दैट द बैक चैनल प्रोसेस स्टार्टेड मच बिफोर रिसेंट इंडिया चाइना डिसंगेजमेंट ऑन LAC न्यू दिल्ली मस्ट हैव डिसाइडेड टू डिफ्यूज द वेस्टर्न चैलेंजेस फ्रॉम पाकिस्तान फर्स्ट एंड इट वर्क। तो यहाँ पर भले ही जब ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था चाइना का उससे पहले ही इंडिया ने कई वार्ता करना स्टार्ट कर दी थी एक बैकडोर से या पीछे तरीके से कि भाई जो पाकिस्तान का इशू है उसको क्या किया जाए कैसे ही न कैसे ही सॉल्व किया जाए या जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसको क्या किया जाए नॉर्मलिसी की तरफ लाया जाए। और इंडिया की ये स्ट्रेटजी ने काम भी किया है। अब ब्रीफ हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री किसकी बता रहे हैं ये हिस्ट्री बता रहे हैं कि सीज़ फायर कब हुआ कैसे हुआ कब तक चला क्यों चला कैसे ऑल थिंग जितनी भी हिस्ट्री है भारत और पाकिस्तान के सीज फायर की ये सब बता रहे हैं। थोड़ा सा वर्ल्ड का भी टच ये अपने इसमें लेंगे। द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया पाकिस्तान सीज फायर पैक्ट एंड वार टर्मिनेशन एग्रीमेंट इज बोथ कॉम्प्लेक्स एंड इंस्ट्रक्टिव। दोनों ही है कि जो सीज फायर पैक्ट हुए और वार को टर्मिनेट मतलब जो युद्ध है उसको रोकने की जो प्रयास किए गए वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और इंस्ट्रक्टिव हैं। द कराची एग्रीमेंट ऑफ 1949 विच एंडेड द फर्स्ट वार बिटवीन द न्यूली फॉर्म्ड इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहला तो 1949 में कराची एग्रीमेंट हुआ जिसमें दोनों ही देशों
तुरंत बने होने के साथ ही जो युद्ध उत्पन्न होने की स्थिति बन गई थी उसको क्या किया जा सका, रिड्यूस किया जा सका या खत्म किया जा सका। वॉज द फर्स्ट सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज विच साइंड अंडर द गुड ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड द इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री इन कश्मीर कॉल द सीज फायर लाइन। तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन के एक सीज फायर लाइन बनाई गई कश्मीर के अंदर और उसे कहा गया सीज फायर लाइन। द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मैंडेटेड टू मॉनिटर द सीज फायर अलॉन्ग द सीज फायर लाइन। तो यहाँ पर जो यूएन की जो संस्था थी या यूएन की जो मिलिट्री थी वो दोनों देशों में रहती थी और उसके लिए अधिकार प्राप्त था कि वो इस चीज़ का निर्धारण करे कि भाई वहाँ पर शांति है कि नहीं। कहाँ पर? कश्मीर, जो मतलब सीज फायर लाइन बनाई गई थी कश्मीर में। अब क्यों बनाई गई थी ये आपको मालूम हुआ कि पूरी कश्मीर की आपको कहानी मालूम हुई। द 1965 इंडिया पाकिस्तान वार ऑल्सो एंडेड इन सीज फायर बट सिंस स्टेटस क्यू एंटीबेलम वॉज रिस्टोर्ड आफ्टर द ताशकंद एग्रीमेंट। तो यहाँ पर 1965 में भी सीज फायर को साइन किया गया था उस युद्ध के बाद, लेकिन वो जो स्टेटस क्यू है, जो वास्तविक स्थिति का निर्धारण है, वो रिस्टोर हुई थी ताशकंद एग्रीमेंट के बाद, जो कि रसिया मतलब उस समय सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन में आता था ताशकंद। उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था उसको फिर बाद में फॉलो किया गया। और आपको यह भी मालूम होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी उसी ताशकंद उसमें क्या हुए थे, ख़त्म हो गए थे। द सी एफ एल इन कश्मीर सीज फायर लाइन इन कश्मीर रिमेंड अनअल्टर्ड। और तब से क्या है, सीज फायर लाइन क्या है, बदली नहीं गई है। हाउएवर द इंडिया पाकिस्तान वार ऑफ 1971 वुड चेंज दैट। द डिसम्बर सीज फायर विच एंडेड द 1971 वार वॉज एनश्राइंड इन टू द शिमला एग्रीमेंट द फॉलोइंग ईयर। तो यहाँ पर बाद में जब 1971 में कुछ लगा कि भाई वो सब चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन बाद में शिमला एग्रीमेंट हो गया। बट अनलाइक 1965 स्टेटस क्यू एंटीबेलम वाज नॉट रिस्टोर्ड बाय द शिमला एग्रीमेंट अ डिसीजन दैट वुड हैव इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर बायलेटरल रिलेशन। लेकिन क्या हुआ, जो 1971 में जब शिमला समझौता हुआ उसमें जो सीज फायर लाइन पहले बनाई गई थी उसको प्रॉपर नहीं जैसी वास्तविक स्थिति थी उसको फॉलो नहीं किया गया। और यही क्या हुआ, जो भी बायलेटरल या द्विपक्षीय रिलेशंस हैं उनमें क्या है, दिखाई देता है। द सचेतगढ़ एग्रीमेंट ऑफ 1972 डिलिनिएटेड द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर विच रिजल्टेड फ्रॉम द सीज फायर ऑफ दिसंबर 1971 देयर बाय रिनेमिंग द सीएफएल एज द एलओसी। और बाद में जो सीज फायर लाइन जो यूनाइटेड नेशन ने बनाई थी वो 1971 में फिर से डिलिनिएटेड, मतलब उसको फिर से खींचा गया और उसे क्या कहा गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। वाई दिस स्मार्ट मूव इंडियन नेगोशिएटर नॉट ओनली चेंज द nomenclature of the India Pakistan dividing line in Kashmir and physical alignment of the border in Jammu and Kashmir but also made the UN MoJP presence in Kashmir irrelevant। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिया ने सबसे पहले काम क्या किया, उस LOC को ना केवल नाम चेंज किया, उस रेखा का ना केवल नाम चेंज किया, बल्कि जो UN ने अपनी जो पूरी की पूरी एक संस्थाएं बनाए रखी थी कि जो मॉनिटर कर रही थी उनको भी क्या कर दिया, अप्रासंगिक कर दिया। इनरेलीवेंस मतलब कहलाता है अप्रासंगिक कर देना, मतलब महत्व उसका महत्व खींच लेना या बगैर महत्वपूर्ण ना रहने देना। इस चीज़ को भी इंडिया ने क्या कर दिया, लागू कर दिया कि जो यूएन की संस्था थी उसका अब कोई महत्व नहीं रह गया था। रिकॉल दैट द यूएन फोर्स वाज मैंडेटेड टू इंश्योर द सीज फायर ऑन सीएफएल बट देयर वाज नो सीएफएल आफ्टर द 1972 वार। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम है कि जो यूएन के द्वारा जो संस्थाएं लगाई गई थी वो किस चीज़ के लिए मैंडेटेड थी, कि जो सीज फायर लाइन को क्या करेंगी, मेंटेन करेगी। लेकिन 1972 के वॉर के बाद सीज फायर लाइन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, तो फिर उनका क्या मतलब, वो वैसे ही अप्रासंगिक हो गई या बेकार हो गई वो संस्थाएं। द यूएन वाज नॉट इवन टू अ पार्टी अ शिमला एग्रीमेंट अनलाइक द कराची एग्रीमेंट। और जो यूनाइटेड नेशन था वो शिमला एग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, जैसा कि कराची एग्रीमेंट में उसने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन शिमला एग्रीमेंट में पार्ट नहीं था यूएन। लेट अस कट टू द प्रेजेंट। अब यहाँ पर प्रेजेंट को देखें,
2003 एग्रीमेंट बिटवीन डीजीएमओस कम्युनिकेटेड थ्रू टेलीफोनिक कॉल बिटवीन देम वाज रिइटरेशन ऑफ द दिसंबर 1971 वॉर टर्मिनेटर सीज फायर. टेक्निकली देयरफॉर इवन इन फरवरी 2021 सीज फायर 2 इज रिइटरेशन ऑफ द 1971 सीज फायर एग्रीमेंट. तो यहाँ पर फिर आगे आने वाले समय में 2003 में उसमें भी जब सीज फायर की बात आई तो लाइन ऑफ कंट्रोल को ही मेन लाइन माना गया. और अभी जो वर्तमान में 2021 में समझौता हुआ उसमें भी आपने लाइन ऑफ कंट्रोल को ही महत्ता दी, ना कि वो सीज फायर लाइन जो यूएन ने खिंचवाई थी उसको महत्ता दी. अ फॉर्म ऑफ इंटेंट एंड येट अ सीज फायर डज नॉट ऑब्जर्व इटसेल्फ इट रिक्वायर अ क्लियरली आर्टिकुलेटेड एंड म्यूचुअली एग्रीड अपॉन सेट ऑफ रूल एंड नॉर्म फॉर इफेक्टिव ऑब्जर्वेंस अलॉन्ग विद इंटेंट टू ऑब्जर्व देम. तो यहाँ पर जैसे कि वो 1949 में एक सीज फायर खुद ही लाइन बनाई गई थी, उस प्रकार की मतलब लाइन मतलब इट सेल्फ कोई खिंची नहीं है, लेकिन वो रिक्वायर करती है कि भाई उसके जो रूल्स रेगुलेशन है उनको दोनों देश क्या करें, फॉलो करें, फुलफिल करें जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, और उनके लिए कोई एक ऑब्जर्व करने वाली चीज़ भी हो. द फेब्रुअरी सीज फायर इज एक्सप्रेशन ऑफ सच एन इंटेंट बट विदाउट द रूल एंड नॉर्म्स टू एनफोर्स इट. तो अभी जो 2021 में जो हुआ वो उसी प्रकार की इरादे को प्रदर्शित करता है, लेकिन विदाउट रूल इसको इन्फ्रेंस मतलब लागू किया जाएगा. द सिमला एग्रीमेंट और सुचेतागढ़ एग्रीमेंट डू नॉट हैव दोज रूल्स ईदर. तो यहाँ पर जो दो एग्रीमेंट थे सिमला उनमें भी इस प्रकार के कोई रूल्स थे नहीं. द कराची एग्रीमेंट ऑन द अदर हैंड हैज़ क्लियरली ले डाउन द प्रोविजन ऑन हाउ टू मैनेज CFL विच ऑफ कोर्स वॉज ओवरटेकन बाय द LOC. तो यहाँ पर लेकिन जो सीज फायर लाइन बनाई गई थी 1949 में उसमें रूल्स रेगुलेशंस थे कि उनको कैसे फुलफिल किया जाएगा, किसके जवान कहाँ आएंगे कहाँ नहीं आएंगे टाइप के रूल्स रेगुलेशंस थे, जो कि बाद में LOC में परिवर्तित हुई. आयरनिकली बड़ी विडम्बना क्या है, देयर फोर आर्म फोर्स डिप्लॉयड ऑन ईदर साइड ऑफ ईयर LOC इन कश्मीर ऑफन हैव टू रिस्टोर द स्ट्रक्चर एनश्राइंड इन द लॉन्ग डिफंक्ट कराची एग्रीमेंट टू ऑब्जर्व द सीज फायर मैंडेटेड बाय सिमला एग्रीमेंट. लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, भली सीज फायर वो हो गया हो लेकिन हम अपनी आर्मी डिप्लॉय करके रखते हैं कि इस चीज़ को क्या किया जा सके, कन्फर्म किया जा सके कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं हो रहा है. तो दोनों ही देश अपनी आर्मी को रखते हैं और जो भी कराची एग्रीमेंट हुआ, सिमला एग्रीमेंट हुआ या 2021 का एग्रीमेंट हो गया, उन चीज़ों को नज़र रखने के लिए अपनी अपनी सेनाएं लगाते हैं कि भाई उन एग्रीमेंट का फॉलो अप हो रहा कि नहीं. क्योंकि पहले तो UN थी 1949 वाले एग्रीमेंट में, लेकिन उसके बाद UN गायब हो गई, तो अब दोनों ही देश अपने लेवल पर चीज़ों को रन कर रहे होते हैं. दिस नीड टू चेंज नाउ दैट द टू DGMO हैव डिक्लेयर्ड अ जॉइंट सीज फायर. द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप टू अराइव एट सेट ऑफ रूल टू गवर्न दैट सीज फायर. तो यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम होगा कि दो बड़े अधिकारियों ने एक साथ मिलकर मतलब एक कंबाइन स्टेटमेंट दिया, तो अब एक नया स्टेप आता है कि भाई रूल्स रेगुलेशन भी तय कर दिए जाने चाहिए. एन अनरिटन सीज फायर एक्सपीरियंस फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन अराउंड द वर्ल्ड सो टेंड टू ब्रेक डाउन इजीली एंड ट्रिगर टेंशन इन अदर डोमेन. तो यहाँ पर जैसा कि बगैर रूल्स रेगुलेशन के द्वारा जो किया गया सीज फायर है वो कैसे होता है कि वो उसे आप कभी भी तोड़ सकते हो और फिर आप फिर से उस पूरे के पूरे क्षेत्र में फिर से अशांति आ जाती है, ये देखा गया है पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए. इनका ये कहना है, तो इनका कहना है कि रूल्स रेगुलेशन बनाए जाने चाहिए. आगे बात करें, रिटर्न टू द बैक चैनल. अब यहाँ पर बैक चैनल के वापस आए कि बैक चैनल से ही अभी जो जैसे बैक चैनल से सीज फायर के लिए मतलब शुरुआत की गई सीज फायर समझौते की, आगे बैक चैनल का कितना महत्व है ये अब बताने की कोशिश कर रहे हैं. वॉट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू नोट अबाउट द सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन टू DGMOs इज दैट दिस वॉज प्रिसीडेड बाय वीक इफ नॉट मंथ ऑफ हाई लेवल कॉन्टेक्ट थ्रू द बैक चैनल. तो यहाँ पर श्रीवासन का यही कहना है कि ये सब पहले बहुत पहले से चला, ठीक है, मंथ ऑफ हाई लेवल कॉन्टेक्ट थ्रू बैक चैनल से जब लोगों ने बात की तब कहीं जाकर ये परिणाम आपके सामने आ जाया है.
फॉर श्योर मेजर एग्रीमेंट ऑफ दिस काइंड कैन नॉट बी फाइनलाइज्ड बाय आर्मी ऑफिसर स्पेशली गिवन द विटिएटेड एटमोसफियर सराउंडिंग इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये सिर्फ आर्मी लेवल पर इसको सॉल्व किया गया है, ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या जो भी नेतृत्व है हमारी वर्तमान सरकार का, उसका भी इन्फ्लुएंस रहा होगा। मोर क्रूसियली द फैक्ट दैट सीज फायर हैज़ पॉलिटिकल ब्लेसिंग मेक इट मोर ड्यूरेबल। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जब इसको राजनीतिक शरण और मिल जाए ऐसे इस प्रकार के समझौते को, तो ये और अच्छा क्या होता है, ज़्यादा लंबा टिकता है और ज़्यादा इसका प्रभाव होता है इस प्रकार के समझौतों का। इंटरेस्टिंगली द 2003 सीज फायर वॉज ऑल्सो प्रिसीडेड बाय डिस्क्रीट पार्लेज बिटवीन द हेड ऑफ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान एंड रिसर्च एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि 2003 का जो एग्रीमेंट था उसमें भी दोनों ही देशों की जो महत्वपूर्ण एजेंसी हैं, भारत की रॉ हो गई वहाँ की ISI, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था 2003 का जो शांति समझौता हुआ था। द 2003 CFA led to sustained period of back channel talk on Kashmir, which by mid-2007 had almost finalized a deal to resolve the Kashmir conflict. तो यहाँ पर 2003 से 2007 तक उनकी कंटिन्यूसली क्या वार्तालाप चलती रही और फिर एक फाइनलाइज्ड किया कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जाए। माई रिसर्च ऑन 2004 टू 2007 बैक चैनल टॉक सो हाउ डिस्क्रीट कन्वर्जेशन बिटवीन हाई लेवल इंटरलोक्यूटर होता मतलब वार्ताकार अपॉइंटेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वर एबल टू मेक अनप्रेसिडेंट प्रोग्रेस ऑन द मदर ऑफ ऑल इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर। तो यहाँ पर जब 2004 से 2007 के बिटवीन इन्होंने जब पूरे के पूरे बैक चैनल का जो महत्व समझा, उसमें उन्होंने यही पाया कि कैसे एक बैक चैनल से आप कंटिन्यूसली अलग अलग समय पर बात कर करके चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकते हो, और जो मदर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब दोनों की जो माता है कॉन्फ्लिक्ट की इंडिया पाकिस्तान कश्मीर की, तो उस समय कैसे 2007 में कश्मीर समझौता हुआ या कश्मीर को इशू को लेकर दोनों देश राजी हुए थे कुछ रूल्स रेगुलेशन पे। What is also evident from that period is that one key reason why CFA held at least till 2008 was because there were parallel talk along with holding fire on the LOC. तो यहाँ पर ये क्यों चला, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों देश की सेना है वो अपने हाथ में गन तो लिए थी, लेकिन कंटिन्यूसली क्या चल रही थी, पैरेलल टॉक भी चल रही थी, और इसी कारण वो क्या हुआ, ज़्यादा लंबे समय तक चल पाया। ऑन द अदर आउटस्टैंडिंग bilateral इशू principally कश्मीर, तो जैसे कि जो bilateral इशू है कश्मीर का इशू है, इनको ये bilateral मानते हैं, तो इस हिसाब के जो इशू हैं उन पर जब वार्तालाप चलती रही तो ये इसलिए फुलफिल हुआ। वाइल वेदर द 2021 सीज फायर एग्रीमेंट वुड प्रॉम्प्ट टॉक इन अदर एरिया इज अनक्लियर एज ऑफ नाउ, लेकिन यहाँ पर अब 2021 का जो एग्रीमेंट है वो अदर एरिया में भारत और पाकिस्तान के बिटवीन होने वाली बात के चैनल है उसको खोलेगा कि नहीं, ये देखना होगा, या अभी क्लियर नहीं है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए। आई डाउट द एबिलिटी ऑफ पीस मील एग्रीमेंट टू क्रिएट ड्यूरेबल स्टैंडेबिलिटी वायलेटरली अनलेस फॉलो बाय द प्रोग्रेस इन अदर डोमेन। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि ऐसे इस प्रकार के समझौते या जो भी हैं बाय सीज फायर वाली चीज़ें वो ज़्यादा नहीं टिकती अगर आप अदर डोमेन में इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाते हो, व्यापार हो गया और भी चीज़ हुई अदर डोमेन में आपका इन्फ्लुएंस होता है या समझौते होते हैं एग्रीमेंट होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को ब्रेक करना तोड़ना किसी भी देश के लिए आसान हो जाता है जब आप दूसरे चीज़ों में इंगेज नहीं रहते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ एडिटोरियल, सो थैंक यू फॉर टुडे।